सो गाइज़, रियलमी की तरफ से एक और 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशन एंड फीचर देखने को मिलेंगे इस स्मार्टफोन के अंदर। ये स्मार्टफोन है रियलमी GT न्यू 3T 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रियलमी GT न्यू 3T 5G स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग, और ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए गाइज, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले फोन की बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी में आपको फ्रंट ग्लास मिल जाएगा, बैक में आपको ग्लास मिलेगा, प्लास्टिक के फ्रेम के साथ आएगा। तो बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड मिलने वाली है। बिल्ड क्वालिटी से आपको शिकायत नहीं आएगी, डिजाइन भी काफी बढ़िया है, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से आपको शिकायत नहीं आने वाली। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में यहां पर आपको 6.62 इंच की फुल एचडी प्लस वाली सैमसंग की E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको 120 गीगाहर्ट्ज़ का स्मूथ हाई रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। तो रिफ्रेश रेट में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं आने वाली। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, तो आउटडोर इनडोर काफी अच्छा वर्क करने वाली है। और गेमिंग के लिए यहां पर 1000 की का टच सैंपलिंग रेशो देखने को मिलेगा। इस डिस्प्ले में आप गेमिंग मक्खन की तरह कर पाएंगे। व्यू एंगल काफी कमाल के हैं। ऑनलाइन कंटेंट वॉच करने, गेम खेलने, वीडियो एडिटिंग करने के मामले में आपको इस डिस्प्ले से बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली। HDR 10 प्लस की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। 398 PPI यानी कि पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगी। और यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलेगा सिक्योरिटी के तौर पर। सो गाइस, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में आपको एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगी क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 के 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बनी हुई एक 5G चिपसेट देखने को मिलेगी। यहां पर अगर हीटिंग इशू होगा तो यहां पर आपको 7 लेयर कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। हीटिंग इशू से बचाने के लिए यहां से आप बेफिक्रिए। अगर एंटूटी स्कोर की बात करें तो 7 लाख से अबोव का एंटूटी स्कोर है, तो आपको पता ही है पावरफुल परफॉर्मेंस मिलने वाली है। परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी, गेमिंग आप तकड़ी कर पाएंगे इसी स्मार्टफोन के अंदर। अगर CPU परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टाकोर CPU परफॉर्मेंस मिलेगी 64 बिट वाली एंड 3.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड के साथ। किराया 585 का यहां पर CPU परफॉर्मेंस मिलने वाली है, तो CPU परफॉर्मेंस भी आपको तकड़ी मिलेगी। एंड गेमिंग के यहाँ पर Adreno 650 का GPU देखने को मिलेगा, काफी फास्ट स्मूथ रेंडरिंग के साथ आएगा, तो ग्राफिक्स में भी आपको कमी नहीं मिलने वाली। LPDDR4X वर्जन वाला RAM टाइप और UFS 3.1 वर्जन वाला स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगी इसी स्मार्टफोन के अंदर। सो गाइस, अब बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। तो बैक में आपको 3 कैमरे की हाउसिंग एंड 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो कैमरा एंड 4K रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS एंड 60 FPS पर। तो यहाँ पर आपको मेन कैमरा काफी बढ़िया मिलने वाला है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो पंच होल कटआउट के साथ यहां पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। यहां पर आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरे से आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली। डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे हाई रेजिस्टेंट ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ। इस फोन के अंदर आपको जैक देखने को नहीं मिलने वाला। वाईफाई 6 मिल जाएगा, वो भी डुअल बैंड। ब्लूटूथ 5.1 वर्जन मिल जाएगा, NFC सपोर्टेड होगा। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 और रियलमी का लेटेस्ट यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा 3.0 वर्जन। यहां पर ब्लूटूथ तो देखने को मिलेंगे लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर पाएंगे, तो ये भी बात बढ़िया होने वाली है। अगर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी प्लस 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 80W का फास्ट चार्जर आपको इनबॉक्स देखने को मिलेगा एंड टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन में सिक्योरिटी की। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलेगा आपको सिक्योरिटी के तौर पर। डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलने वाला। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन के वेरिएंट की। 8GB 128GB एंड 8GB 256GB यहाँ पर दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन के लॉन्चिंग डेट की। तो ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा 7 जून को, इसके बाद इंडिया में लॉन्च किया जाएगा यानी कि जून के एंड तक लॉन्च हो पाएगा रियलमी GT न्यू 3T 5G स्मार्टफोन। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन के प्राइसिंग की। तो जो बेस वेरिएंट होगा 8GB 128GB उसके प्राइस अराउंड देखने को मिलेंगे 30,000। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।